आज हम दशावाहन पद्धति देखेंगे और उससे ये भी देखेंगे कि दैनिक फल कैसे निकाला जा सकता है दशावाहन पद्धति से। तो इस दशावाहन पद्धति में 9 तरह के अलग अलग दशाएं बताई गई है, गधा, अश्व, हाथी, भैंसा, गीदड़, सिंह, काक, मयूर और हंस, ऐसे 9 प्रकार के दशावाहन बताए गए हैं। अब इन दशावाहनों को निकाला कैसे जाए, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जातक का जन्म नक्षत्र कौन सा है। जन्म नक्षत्र, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जातक का जन्म नक्षत्र रोहिणी है, 4 नंबर का नक्षत्र है। अब जन्म नक्षत्र से लेकर मान लीजिए अभी महादशा चल रही है शनिदेव की, तो ये शनिदेव की महादशा कब शुरू होती है ये हमें देखना है। तो अगर शनिदेव की महादशा किसी समय में, किसी महीने में अगर शुरू होती होगी, तो आपको गोचर कुंडली निकालनी है और गोचर कुंडली में उस दिन देखना है जिस दिन दशा शुरू हो रही है, और आपको यह देखना है कि तब कौन सा नक्षत्र शुरू है। ये उदाहरण के तौर पर हमने लिया हुआ है कि मान लीजिए शनिदेव की दशा चल रही है, और शनिदेव की दशा अगर हम ऐसा उदाहरण के तौर पर लेंगे कि 10 जनवरी को शुरू हुई, तो 10 जनवरी का जो भी गोचर कुंडली होगा वो आपको निकालना होगा, या फिर 10 जनवरी में कौन सा नक्षत्र था ये आपको निकालना पड़ेगा। ये निकालने के पश्चात उदाहरण के तौर पर अगर वहां पर पुनर्वसु नक्षत्र है, तो आपको ये देखना है कि जन्म नक्षत्र और जो दशा चल रही है उनके बीच कितना अंतर है। अगर यहां पर देखेंगे रोहिणी से लेकर पुनर्वसु तक 4, 5, 6, 7 4 अंक आते हैं, कितना 4 अंक आते हैं, 4। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है 1, 2, 3, 4 वैसा, इसका मतलब रोग। जो शनिदेव की दशा जातक की अभी चल रही है उसमें ज्यादातर संभावना रोग होने की है, यह हम उससे निकाल सकते हैं। ये महादशा में भी चलता है, अंतर दशा में भी चलता है, प्रत्यंतर दशा में भी चलता है, सूक्ष्म दशा में भी चलता है। किसी भी दशा को अगर आपको निकालना है तो वो दशा शुरू कब होती है ये आपको देखना पड़ेगा। जो शुरू होने का दिन है उस दिन में कौन सा नक्षत्र है ये आपको निकालना पड़ेगा। देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं चंद्र दशा का। मान लीजिए कि चंद्र दशा चल रही है, जातक का जन्म नक्षत्र है रोहिणी, जो चंद्र दशा शुरू हुई है उस शुरू होने के दिन में श्रवण नक्षत्र था, अब 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। तो अगर हम देखेंगे कि रोहिणी से लेकर श्रवण नक्षत्र तक 19वां नक्षत्र ये होता है 19वां। अब देखिए 9 से ज्यादा है, 19वां है। अब हमें क्या करना है, ये जो 19 अंक है उसको हमें 9 से विभाजित करना है। कितने से, 9 से। कितनी दशाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 दशाएं हैं, 9 से हमें विभाजित करना है। तो अगर 9 से विभाजित करेंगे तो होता है ये। अब इसमें ये जो शेष बचता है इस शेष को हमें देखना है। यहां पर शेष बचा हुआ है 1, 1 का मतलब है गधा, गधा वाहन चल रहा है। इसका मतलब चंद्र की दशा में कलह होने के ज्यादातर संभावनाएं हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये महादशा, अंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, कोई भी दशा हो, किसी भी दशा में ये नियम अगर हम लगाएंगे तो उस दशा में क्या चल रहा है। अगर दैनिक दशा भी हमें निकालनी होगी, दैनिक फल भी निकालना होगा, तो दिन में कौन सा नक्षत्र चल रहा है, तो जो भी दिन में नक्षत्र चल रहा हो, जन्म नक्षत्र से जो दिन में नक्षत्र चल रहा है उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, उस अंतर को निकालना है। अंतर को निकालने के पश्चात 9 से उसे भाग देना है और जो शेष बचता है उस शेष से इससे हम जान सकते हैं कि क्या होगा उस दशा में, फल क्या मिलेगा। अगर दैनिक फल देख रहे हैं और मान लीजिए कि शेष अगर 6 बज गया, इसका मतलब है कि विजय होगा उस दिन, उस जातक के लिए विजय की संभावना है।
तो अलग अलग चीजें हम इसमें से देख सकते हैं। मान लीजिए मुकदमा है, किसी को घर लेना है, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को स्पर्धा परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, कोई भी चीज हो, हम इस दशा वाहन पद्धति से आराम से निकाल सकते हैं कि उस दशा में सबसे ज्यादा किस प्रकार की चीज होगी। तो ये ग्रह जो है ये कलह को दर्शाता है, अश्व जो है ये बुद्धि विकास और विदेश यात्रा को दर्शाता है, हाथी जो है वो ये लाभ को दर्शाता है, भैंसा रोग को दर्शाता है, गीदड़ भय को दर्शाता है, सिंह विजय को दर्शाता है, काक चिंता को दर्शाता है, मयूर संपत्ति को दर्शाता है और हंस विजय को दर्शाता है। तो अगर आपको दैनिक फल निकालना हो या किसी भी दशा से आपको अगर जल्दी से उस दशा में सबसे ज्यादा क्या होगा ये अगर आपको निकालना है तो दशावान पद्धति आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने लिए आपने जो भी जातक आएंगे उनके लिए आप कर सकते हैं। अगर इस विषय में किसी को कोई शंका हो तो अवश्य हमें कमेंट में लिखकर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसका निराकरण करने की। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।